क्योंकि ज्यादा ज्ञान देने के चक्कर में वो तीन बाबा फंसे हुए हैं जेल में। अपना चौथा बाबा बनने का बिल्कुल मूड नहीं है। बचपन में माँ कहती थी मस्ती मत कर, बाबा पकड़ लेगा, मस्ती मत कर, बाबा पकड़ लेगा। बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया, आए हैं वो भी मस्ती के चक्कर में। तो आप तो क्या देखो आनंद कार्यक्रम में आप आए के लिए आए, मजा लेने के लिए। कमल जी भाई साहब ने मुझे काय के लिए बुलाया, मजा देने के लिए। तो रेडियो आपके मस्त जबरदस्त श्रोताओं, मजे का शाश्वत नियम ये है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान की कसम सही बात बता रहा हूँ मैं, जवानी में वो सलमान खान नहीं ले पा रहा हूँ, बुढ़ापे में बाबा राम रहीम ने तू जिन्हें डेटा पर डे के हिसाब से ले लिए। तो आप भी क्या है, ले मजो और राम बजो आए मजो तो वर बजो, अपने बाप का कुछ नहीं लग रहा, पैसे लगने वालों के लग गए। अपनी तो ये स्थिति है कि इंडिया हो या लंदन, पोपट का चंदन किस में है लंदन। आपको मजा लो, कोई तनाव नहीं रखा, क्योंकि जिसकी मट्टी जिंदा है। मैं दो पंक्तियां पढ़ता हूँ, कोई तनाव कोई टेंशन कोई सूरा पर आज की रात नहीं रखना है, क्योंकि जिसकी मट्टी जिंदा है। तो ऐसी तालियां फाका लगाना कि उसका भी सूखापन दूर हो जाए, कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना बहुत सारे सूखों को देख के लगता है कि जबरदस्ती जिंदा है, और अपने को जबरदस्ती नहीं जीना है, जबरदस्त होकर के जीना है। और जबरदस्त टीम आज की रात है, तमाम बड़े टीमों को सुनना है, हम उनकी भूमिका में है। और जबरदस्त कवि है भाई बेटा हिंदुस्तानी, और वीरस की कविताएं जोर जोर से पढ़ता है, और इसलिए भी पढ़ता है क्योंकि अभी इसकी शादी नहीं हुई, तो कुंवारा आदमी जोर से बोल सकता है। तो हमारी ऐसी स्थिति नहीं है भाई साहब, ना ये कहने लगा अर्जुन भैया शादी नहीं हुई, दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। और मैंने कहा भेजा नहीं, देश में दो चीजें सबसे ज्यादा या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। मैंने कहा तो किसी दादा से मिली या फिर किसी बाबा से। बोले बाबा वाला आइडिया ठीक है यार, ये चला गया फटी बाबा के पास। क्या के बोला बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा मैं भी मूड में ही हूँ, जा जो तू मांगेगा वही मिले। ये बोले लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा कि जा, अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो सोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी। तेरा नाम बता बच्चे, ये मालवा का माल टैलेंटेड। ये पट बोला जी मेरा नाम है श्री अब्दुल कवि तेजा हिंदुस्तानी सिंह फर्नांडिस। बड़े क्या वैसा बाबा का कोड़ा खराब हो गया। बाबा ने चले के कोनी मारी, बोले मालवा का माल ज्यादा ही सारा बन रहा है, जब इसका बहन मायावती के साथ वहां गठबंधन कर वो सर्वगुण संपन्न है, मेरी भी शादी में बैठा। अपन भी गए बाबा के पास, वहां बाबा शरीर में आते थे ऐसे कबूतरे पर स्थान बना हुआ था, दुपेड़े वगैरह चल रहे, पान सुपारी इत्र वगैरह चिमटे विमटे भरे हुए, ढोल ढिमारे बज रहे, गंध करना करने ना करने ना करने गंध करना करने गंध। जब तक ताली नहीं बजाओगे ढोल नहीं बजेंगे बाबा नहीं आएंगे। फिर उन्होंने वो अनाज के दाने दिए मुझे, बोले कितने, अरे मैंने कहा ये तो चार है, बोले डेपोटेशन डाउन मत कर, तीन नीचे से उठा। कितने हुए, मैंने कहा सात, बोले सात महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आई थी। तो मैंने बोला कि ना बाबा लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई। वो बाबा ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है, अरे तेरे प्लांट के ठिकाने लिए बात करने की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है, पाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है, तेरा बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस और पॉकेटी एटीएम मशीन में कार्ड फंसा है। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे, बेवकूफ तो जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे, निकल यहाँ से। अरे मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एका जैसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ ऐसे मंत्र हमें मालूम होते तो चबूते में क्या अपने बाप को रोके निकल कर कमाल कर काम कर रखा है। बाबा ने एक पाए योग पढ़ो योग पढ़ो योग पढ़ो, भाई साहब पूरा विश्व योग पढ़ने लग गया। तो बाबा जी उद्योग करने लग गए, अनार चली डिस्को चली, बाबा ने खोल लिया पतंजलि, जितनी गायें ली उससे अधिक का घी बेच दिया भाई ने। कमाल का काम कर रखा है। एक पाए कृपा वाले बाबा निर्मल बाबा,
व्यक्ति को आप रेलवा करोगे तो अच्छा हो आपको। पाकिस्तान से इमरान खान ने फोन लगाया निर्मल बाबा को, बोले बाबा जी 370 हट गए हैं, भारत की सेना घुस घुस के आती है और भारतीय कृपा करो। बाबा ने कहा कौन, तो मैं पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। बाबा ने कहा बेटा तुझ पर मैं क्या मेरा कृपा नहीं कर सकता। बोले कि नहीं बाबा कुछ तो कृपा करो। रेलवाल किशनगढ़ के मत जबरदस्त श्रोताओं, निर्मल बाबा ने जो जवाब दिया यदि आप समझ जाओ तो कोई हाथ खामोश ना रहे। निर्मल बाबा ने कहा बेटे इमरान कभी तिरंगे झंडे का नाम सुना है? बोले सुना है बाबा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग। बोले कभी पाकिस्तान लाए हो? बोले कभी नहीं लाए बाबा। बोले मूर्ख कृपा वहीं पर अटकी हुई है, क्या उसको लाहौर कराची में लहरा दो कृपा आने शुरू हो जाए। लेकिन साहब आज तो हमारे वैज्ञानिकों के श्रेष्ठ कार्य के कारण क्या पाकिस्तान, आज तो हमारा तिरंगा चंद्रमा पर लहरा रहा है। और कैसा लगा 14 जुलाई को जब चंद्रयान लॉन्च हुआ, चार पंक्तियां निवेदन करता हूं, कि सूरज कृष्ण को उड़े के हनुमान जैसे वैसे चंद्रमा की ओर चला चंद्रयान है। कैसा जैसे हनुमान जी महाराज सूर्य दर्शन के लिए जय श्री राम का उद्घोष करते हुए आकाश में छलांग लगा रहे हो, जिन्हें अमोघ रघुपति के बाना के ही समान चला बलवाना। कैसा लगा मैं निवेदन करता हूँ कि सूरज कृष्ण को हनुमान जैसे वैसे चंद्रमा की ओर चला चंद्रयान है, तो ना रोक लक्ष्य है दीवा अमोघ बाण निकला हो मानो राम की कमान से, कि तिरंगे के तीन रंग विश्व हो रहा है दंग। हेलो, ये गायन की कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, बैठे रहो, इसको छह नंबर मत अपने आप चल जाएगी। ये बात ये पुरुष गाय है। हेलो, बैठ जाओ। सभी से आग्रह मेरा से, ये तो सांड बाप, वो तो ढूंढ रहे थे चेयरमैन साहब को, सम्मेलन में थे तो यहां तक चल करके आ गए, और वो चेयरमैन साहब को ये कह रहे हैं कि नगर पालिका वाले रामलीला को 21,000 देते हैं, कवि सम्मेलन को भी दिया करो। पूरा देश गाय के लिए गाय माता पूरा देश रात की 12 बजे घर चला गया, जाके दरवाजा बजाया कि शुरू में आ गया तो अंदर से आवाज आएगी दरवाजा तो खुल रहा है, आप तो अंदर ही चले आओ, वैसे भी सोनू के बाबा को कभी सम्मेलन में घर। आप कितने जानते तुम्हारे हिसाब से सेट करो, लेकिन बेस जरूरी है क्योंकि बेबी को टेबल से ज्यादा बेस पसंद है, जमानत से ज्यादा केस पसंद है, संधू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, और नरेंद्र मोदी जी को देश से ज्यादा विदेश पसंद है। वाह, लेकिन किसी को कुछ भी पसंद हो साहब, मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है? मैं अपनी कविता में अपने हीरो का नाम लूंगा, आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा हो आस्था हो तो कोई हाथ खामोश ना रहे। किसी को कुछ भी पसंद हो, मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, निवेदन करता हूँ कि बेबी को टेबल से ज्यादा भेद पसंद है, पूजक को गाय से ज्यादा भेद पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, संघ को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, नरेंद्र मोदी जी को देश से ज्यादा विदेश पसंद है, लेकिन जिनके भीतर राष्ट्रवाद का जज्बा जिंदा है उन सभी को सरदार भगत सिंह और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के संदेश पसंद है। लेकिन बैठा क्या है कि ये ऐसे जोर से बोलने से ताली बज जाती है, वीरस में ऐसा ही होता है, जोर जोर से बोलो तो ताली बज जाती है। अब वीरस का काम 2 दिन का, 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 दिन तक हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, बाकी 363 दिन उसके लिए जिसके साथ
तेरे लिए। दो दिन तक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैंने कहा क्यों भाई 363 दिन तक क्या बतूंगे के बीच की खेती होती है? भाई तो मेरे गांव में जुलूस निकलना, आगे लड़कियां पीछे लड़के, लड़कियों ने नारा लगाया, देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा? किसी को छोड़े आने बोले जी हम करेंगे। मैंने एक छोरे से पूछा हमारे देश को कहीं जाकर खा के छोरों ने नारा लगाया हमारी बन गए छोरे पर सिंधुपुर से भर दो। छोरों ने कहा जो हमसे पकड़ाएगा, छोरे बोले हस्बैंड वही कहलाएगा। मस्ती के साथ सुनो कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा वो यारा तेरी अदाओं ने मारा, छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, वो कहती है मुंह बदनाम हुई डार्लिंग, वो आध्यात्मिक को हाथ में प्रणाम करता हूँ। लेकिन छोरियों के चक्कर में मत पड़ना भाई साहब, ये बेलन जलाएगी रेनवाल वालों से, वो लड़ाएगी किशनगढ़ वालों से, और मिलने के लिए जयपुर निकल जाएगी। सही बताऊं मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत पसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे छोरों को भैया कहती थी। एक दिन करीब आई थी थोड़ी सी स्माइल, पैसा बपन ने भी मारी स्टाइल, लेकिन सड़क गई फाइल, हवेलियां अरमानों की ढह गई, तमन्नाएं धरी की धरी रह गई, तन्हाई में भी कम वक्त संस्कारों में बह गई, और सबको भैया कहने वाली मुझे काका जी कह गई। कोई भरोसा नहीं है भाई साहब, अगर छोरा ने छोरी से आख्या लड़ाई तो छोरी ना समझ में आ रही नहीं हड़ोती आएगी से तुम कौन से हॉलैंड पोलैंड इंग्लैंड में बैठे हो मजा होगा। एक छोरा ने छोरी से आख्या लड़ाई तो छोरी ने मोबाइल नंबर लिख पटरी छोरा ही पकड़ाई, छोरा ने छोरी का जब 50 रुपया को बैलेंस दिलायो तो छोरी ने छोरा का फोन लगायो और बोली कि असाई डाल तो दीजिए टेम टू टेम टुकड़ो, शाबाश तुम्हारा मुर्गा टुकड़ो ना टुकड़ो। छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा हो यारा तेरी अदाओं ने मारा, छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कैसी है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे अरे बुजुर्गों के संस्कार फांसी के फंदे झूल गए, इलू इलू याद रहा पर भजन राम के भूल गए, सभ्यता भूल गए संस्कार भूल गए, भूल गए नानी की कहानी, अरे देश के शहीद जवानों को भूल गए, पर याद है आपको शिला की जवानी, अरे अरे इतिहास के पन्नों को उठा कर देखना, उन पर जमी हुई धूल को हटा कर देखना, उनमें न मुंडी की बदनामी है न शिला की जवानी है, जगत के अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है, जगत के अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है, अमर बलिदान है चंदन का, माँ पन्ना की आंखों का पानी है, स्वामी पान है महाराणा का, चेतक की अमित निशानी है, चंद्रशेखर का त्याग है, भगत सिंह की जवानी है, पर आजादी के हवन कुंड में जो दे गए खुद के प्राणों की आहुतियां, ऐसे अमर शहीदों की इतिहासों के अंदर कहानी है। भारत माता की जय हो। माड़ा पहनो पर गोपाल जी आप देखते हैं तो दीपा जी की तरफ आए माड़ा इनको पहना। हेलो लोन रखते हैं ये फोन क्लोजर रखती है, जिंदगी का खूबसूरत सा ब्रोशर रखती है, अकेली कवियत्री है कविता के मंच पे जो कविता के साथ बुलडोजर रखती है, ये अतिक्रमण रस्ते में भी है। धन्यवाद बहुत अच्छे परिचय के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं तो अच्छा ही दूंगा कि आगे हो बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ क्योंकि ये मेरी कर्म भूमि रही है प्रथम। यहाँ से मैंने अपनी जॉब शुरू की और हकीकत बता रही हूँ आज तक जितनी जगह पे ट्रांसफर हुआ है उसमें सबसे अच्छे लोग जो है सबसे ज्यादा प्रेम सम्मान अगर मुझे कहीं मिला है तो रेनवाल से।
गोपाल जी ने कल्याण जी के साथ ही देखे, इनसे खूबसूरत कहीं नहीं मिलेगा। इनकी क्या है कि बीच बीच में बोलने की बीमारी है और इसीलिए तो घर वाले बाहर निकाल लेते हैं और ये कभी समय में डोलते डोलते। ऐसा कुछ नहीं है, देख कहाँ ऐसी व्यवस्था ऐसा टेंट मिलता है और कहाँ पर ये जुलते ये सेट मिलता है। मैं बीच में इसलिए बोलता हूँ दीपा, मुझे इसी बात का पेमेंट मिलता है। सम्मानीय पट्टा दे दू करो, आप पट्टा दे दो, जब मुझसे पूछते हो कि सम्मानीय पट्टा दे दू, तब तो इधर 10,000 दो पट्टा दो। इन्होंने एक बात कही कि 10,000 दो पट्टा दो। रेनवाल का बच्चा बच्चा जानता है कि आज एक ऑनेस्ट ऑफिसर आपके सामने खड़ी और मंच से ये बात बोल रही है कि मैंने अपनी आय के लिए ये प्रोफेशन चुन लिया लेकिन किसी के 2 रुपए नहीं दिए। क्या बात है, 2 रुपए के काम 10,000 की कहता हूँ। जो मुझे जानते हैं वो ये बात जानते हैं और मेरी शुरुआती दौर था तो हो सकता है कि भूलवश मैंने किसी के साथ में कोई गलत कार्रवाई हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने मन और कर्म और वचन से ऐसा नहीं चाहा। ये तो मनोरंजन की है, आप लिया करो। हम कविता पाठ शुरू करने जा रहे हैं तो प्रभु स्वागत, आप विराम लें और हम शुरू करते हैं। स्वागत। तो रेनवाल के लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, इनके बीच में संवाद करूंगी। इससे पहले मैं हमारे आराध्य हमारे बंदल देव गणपति के चरणों में मेरे शब्द पुष्प रखती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभय निर्विघ्न गुरुंग देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय हो गणेश जी महाराज की। और माँ शारदा के चरणों में अपना वंदन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। और रेनवाल की इस धरा को, कृष्ण के जहाँ पोतड़े झोले जाते हैं ऐसी धरा को प्रणाम करती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ। मेरा रेनवाल क्लब यहाँ पर है, हमारे चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं, बच्चा बच्चा मुझे यहाँ जानता है, गोयल साहब यहाँ बैठे हैं, महेंद्र सुल्तानी जी बैठे हैं, सीताराम जी यहाँ बैठे हैं, सब जानते हैं कि मेरा क्या व्यक्तित्व है और मैं ये लोग कैसे हैं, मैं कैसी हूँ, आपका स्नेह मिलता रहना चाहिए। जोरदार। एक निवेदन है, ये पाठ्यलिपि ये बच्चा नाम आपका नाम नहीं बताएगा, पैसे नहीं बताएगा। बच्चे देश का भविष्य है पर कवियों का वर्तमान खराब कर सकते हैं, तो एक बार इनको लेके जाओ। ये दिशा है वो ले जाएगी तो दीपा जी ले जाएगी। आगे बधाई। चलिए, बहुत स्नेह से प्यार से आपने बुलाया गोपाल जी, तो आपका मान रखते हैं हम और काव्य पाठ की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो अपनी पंक्तियां हैं वो मैं रेनवाल के बुजुर्गों के चरणों में रखती हूँ कि आप ही की दुआओं ने बचा रखा है सरमाया मेरा, वरना तो रहता है दिल घबराया मेरा, वरना तो रहता है दिल घबराया मेरा। और कविता पाठ शुरू करने से पहले बता दूंगी कैसे कैसे लोग कविता पाठ सुनने आते हैं। आपकी कृपा से यहाँ से मैंने शुरुआत की और देश के मंचों पे पढ़ी, मैं टीवी पे पढ़ी और शुरुआत मेरी बहुत शानदार हुई, तो आप ही का आशीर्वाद से आज फिर से शुरुआत कर रही हूँ। आपका मन से सुनिएगा और तालियों से रगड़ा से स्वागत कीजिएगा इसका काव्य पाठ। कविता पाठ शुरू हो इससे पहले तुमको बतलाएं कैसे कैसे लोग यहाँ पर कविता सुनने आते हैं। कविता पाठ शुरू हो इससे पहले तुमको बतलाएं कैसे कैसे लोग जहाँ में कविता सुनने आते हैं। कुछ लोग देखने आए हैं कि देखे क्या एजेंडा है, बीजेपी का पंडा है या कांग्रेसी झंडा है। कुछ लोग देखने आए हैं कि देखे क्या एजेंडा है, बीजेपी का पंडा है या कांग्रेसी झंडा है। कुछ मंचल से गुजर रहे थे रोशनी सी दिखती है, चलो जी चल कर देख ले कवयित्री कैसी दिखती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। कुछ मंचल से गुजर रहे थे रोशनी सी दिखती है, चलो जी चल कर देख ले कवयित्री कैसी दिखती है।
कोई अपनी घरवाली से जान छुड़ा कर लाया है। जहाँ पे आपको अच्छा लगे तालियां बजा दीजिएगा। कोई अपनी घरवाली से जान छुड़ा कर लाया है, कोई अपनी सेटिंग से मिलने मेले में आया है। अरे कोई अपनी घरवाली से जान छुड़ा कर लाया है, कोई अपनी सेटिंग से मेले मिलने में आया है। और कैसे कैसे लोग आए, जो देरी से आए हैं मधुशाला जा कर आए हैं। वाह, जो देरी से कुछ नशे में धुत पड़े कुछ ने दो पैग लगाए हैं। कुछ भोले भाले बच्चे हैं जो कविता सुनने आए हैं। कुछ भोले भाले बच्चे हैं जो कविता सुनने आए हैं, लेकिन उनके पापा जी को आंखें सेकने आए हैं। वाह, लेकिन उनके पापा जी को आंखें सेकने आए हैं। कुछ अल्लड़ सी छोरियों ने आपके लिए, कुछ अल्लड़ सी छोरियों ने कुर्ता नया सिवाया है, चुनरी में तारे टांगे हैं, कुछ ने इत्र लगाया है। देखो तालियां इनकी तरफ से भी आपकी तरफ से आनी चाहिए। ये पंक्ति आपके लिए क्या है, कुछ अल्लड़ सी छोरियों ने कुर्ता नया सिलाया है, चुनरी में तारे टांगे हैं, कुछ ने इत्र लगाया है। और ये विशेषकर रेडवाल की भाभियों के लिए, कि कोई अपनी पड़ोसन का जी जला कर लाई है। कोई अच्छी बताई तू है घर को ध्यान डाल तू रुपाड़ी और छोड़े आया है। कि कोई अपनी पड़ोसन का जी जला कर लाई है, कोई नवेली भाभी सज कर छम छम करती आई है। कोई नवेली भाभी सज रच कर छम छम करती आई है। कुछ ऐसे भी आए हैं जिनको महंगाई मार गई, अरे कुछ ऐसे भी आए हैं जिनको महंगाई मार गई, कुछ कर्जे में डूब गए कुछ की प्रेमिका भाग गई। कुछ कर्जे में डूब गए कुछ की प्रेमिका भाग गई, जो मंचों पर बैठे हैं वो पीड़ सुनाने आए हैं। कुछ हंसने हंसाने आए हैं, कुछ गीत सुनाने आए हैं, जो मंचों पर बैठे हैं वो पीड़ सुनाने आए हैं। कुछ गीत सुनाने आए हैं, कुछ हंसने हंसाने आए हैं, मैं ये देखने आई हूँ कि कौन बड़ा आयोजन है। मैं ये देखने आई हूँ कि कौन बड़ा आयोजक है, जो मंचों पे बैठे हैं उनमें कौन बड़ा संयोजक है। और आप सब तो भोले भाले हैं कविता सुनने आए हैं, आप सभी तो सज्जन हैं बस कविता सुनने आए हैं। इससे पहले कविता पाठ शुरू हो तुमको बतला दे, कैसे कैसे लोग जहां में कविता सुनने आए। क्या बात है, क्या जोरदार तालियां बजा। भाई आपको आनंद आया? बहुत जोरदार। अरे आनंद आया? बहुत जोरदार। उन्होंने चार जिम्मेदारी मेरी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी के लिए आप उनको पकड़ो जिनको पेमेंट ज्यादा मिला है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने चार पंक्तियां भी दिया। हमको जितना पेमेंट मिला है उसमें से मैं हम खड़े हो सकते थे। ये तो आप बहुत प्यारे लोग हैं कि हम कविता पाठ कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, आपने जोरदार तालियां एक बार जोरदार, आपको जमाना अच्छा लगे वो तालियां हो जाए। मेरे को भी एक बार जोश आए कि मैं आपको अच्छे से कविता सुनाऊं। नहीं आपको जोश आ जाएगा। आपने कहा ना कौन कौन क्या सुनने आए, ऐसा कुछ नहीं है। लेने वालों ने कहा है कि कुछ बातें ऐसी है जो फपती है, कुछ मेहंदी है जो हाथों में रचती है। आधे से ज्यादा केनवाल वाले तो सेवल इसलिए आए हैं कि दीपा सैनी रेनवाड़ से जाने के बाद कैसी लगती है। आपकी दुआओं से हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बस यही देखने आए थे। और मैं इनके लिए दो पंक्तियां बोल देती हूँ, उसके बाद शायद ये चुप हो जाए। मैं अपना काव्य पाठ जारी रखू कि ईश्वर ने दो बहुत खूबसूरत रचना बनाई है, नर और नारी। ईश्वर ने चंदन साहब दो बहुत खूबसूरत रचना बनाई है, नर और नारी। वाह। और तीसरी एक गड़बड़ है। वाह। समझदार समझिए, मुझे ये बताओ ये
बैरागी है, ये अल्लड़ है, ये बैरागी है, ये अल्लड़ है, वो सावन है, ये पतगढ़ है। नगरानी का पता चेयरमैन साहब को है, तुझे पता है कौन गड़बड़ है? कुछ लोगों के दौड़ देख के भी समझ जाना चाहिए क्या होगा। आपका आनंद सिंह है। चलो तो राजस्थानी में सुनाओगे हिंदी में सुनाओगे बताओ? फारसी में। भाई राजस्थानी में गीत सुनना चाहते हो तो आप एक बार दुर्गा तालियां बजा दो। आगे की तरफ तो मुझे तो मैं राजस्थानी में आपको एक मस्ती वाला गीत सुनाऊं। तो चलो जी, और बात आनंद की हो रही थी तो ऐसा है कि मेरे को थोड़े दिन पहले वो मूलचंद जी ना गई मिले तो बड़ा मैंने मूलचंदी और कैसे हो भैया तो मन की थे वो तो मारवाड़ी में बात कर रहे थे बेरो थे तो मन की थे क्या तो अजी मैं तो आनंद में निवास करूँ तू आनंद में निवास करूँ तू परमानंद में निवास करूँ तू फिर दो चार दिन पास मिले मैंने यहाँ टूटा फूटे ऐसा है यहाँ मत फटा तो बांध मैंने की मूलचंदी गाई हो मुझे बोले आनंद घर आ गो भाई आनंद नहीं आए तो दूसरों को पकड़ना और बाकी आप आनंदित लोग हैं आपका मन प्रफुल्लित रहता है आप मस्त लोग हैं बढ़िया गाना सुनो बढ़िया गीत सुनो और बढ़िया तालों में उनको स्वागत करो। चलो जी आपको एक गीत सुना देती हूँ एक नया गीत मैंने आपके लिए लिखा है स्वागत स्वागत और एक गीत जो मेरा बहुत वायरल हुआ डिजिटल हायराम ये जमाना हो गया जो चैनल से भी खूब चला और सैलिस जी ने भी उसको बहुत सराहा वो गीत मैं आपको सुनाऊंगी अगर आप आदेशित करेंगे उससे पहले चार लाइनों के आप गीत सुनोगे बलम जी बलम जी तालियों से बलम जी चाय बना दो मैं अरे मारे बछीड़ा माथो बलम जी चाय बना दो मैं अजी मारे बछीड़ा माथो अरे रोज रोज मैं खाने पिलावा रोज रोज मैं खाने पिलावा आज नंबर खाको बलम जी चाय बना दो मैं अजी मारे बछीड़ा माथो। कभी कभी ऐसा होता है देखो महिलाएं बहुत चंट होती हैं महिलाएं अब अबला नहीं है पुरुष अबला है महिला सबला है नहीं विश्वास होते जितने भी शादी शुदा बैठे हैं वो बता दे भाई घर में किसकी चलती है और जो कंवारे हैं वो तबला है कोई भी बजा जाता है कभी वो प्रेमिका का भाई भी जाता है कभी बाप बजा जाता है कभी प्रेमिका खुद भी रख देती है तो महिलाएं तो सबला है काय का सशक्तिकरण हम बोलते हैं महिला सशक्तिकरण होना चाहिए महिलाएं कविता पाठ कर रही है महिलाएं नासा में है महिलाएं एरोप्लेन उड़ा रही है तो हम तो सबला है जी जोरदार तालियां और महिलाओं के लिए। तो जब उनको पति से काम करवाना होता है तो क्या मानना होता है कि जी मानो सर भूल गए थे आज तो चाय बना देते हैं यार है ना बलम जी चाय बना दो मैं अजी मारे बछीड़ा माथो बलम जी चाय बना दो मैं चली सी बाम लगा दो मैं मारे बछीड़ा माथो रोज रोज मैं थाने पावा रोज रोज मैं थाने पावा आज से नंबर था तो बलम जी चाय बना दो मैं अजी मारे बछीड़ा माथो। और अगला बंद क्या आएगी अजी पाड़ो सहगी जाग सुपेली मारा बलम जी जागो कदे बा देख नीले साडू पाड़ता अजी पाड़ो सहगी जाग सुपेली मारा बलम जी जागो अरे पाड़ो सहगी जाग सुपेली मारा बलम जी जागो और पांचला बाड़ा की लेरा पांचला बाड़ा की लेरा सामी को भी आंगन भरो बलम जी चाय बना दो अजी मारे बछीड़ा माथो। और दूसरी बात कही थे कि सासू जी की जाग सुपेली मारा बलम जी जागो कि सासू देख ले ली काम करता तो वो पाट ले ली कि मेरा बेटा तो काम करा है तो क्या बात है अगला ये सरी सर अभी आएंगे हमारे कुंडली में नहीं नहीं आते खाते पीते अच्छे लगते हैं उन्होंने पैसे दिए कोई पकौड़े तो पाचे बांट लीजिए दे चलो सुनो जी नेक्स्ट अगला बात सुनो अजी सासू जी की जाग सपेली मारा बलम जी जागो सासू जी की जाग सपेली मारा बलम जी जागो अरे ओढ़ के मारी पीली दुगड़ी ओढ़ के मारी पीली दुगड़ी दूध भैंस को काढ़ो बलम जी चाय
मारे बची रामा तो पलक जी चाय बना दो मैं, अरे मारे बची रामा तो। और हमारे श्री राम के चरणों में अब चार पंक्तियां रख देती हूँ। ये तो थी अपने घर घर की व्यथा कि जब स्त्री का सर दर्द हो तो कैसे पति से काम कराना है। जोरदार अगर आपको आनंद आया हो मारवाड़ी राजस्थानी में तो राजस्थान के हम लोग एक बार दूसरा ताले बजा दो सर। अपने रिश्तों को वो किस तरह निभाता है, अपने रिश्तों को वो किस तरह निभाता है भगवान जानता है, किस तरह से कमाता है। पर जिसकी लुगाई अक्सर हो जाए तो घर पे क्या ही मनाता है। सुनिए चार पंक्तियां श्री राम के चरणों में रखती हूँ और आप सुनिएगा कि हमारी बहन बेटियों के लिए भी हमको एक संदेश छोड़ के जाना होता है हमेशा। तो क्या संदेश है आपका इन चार पंक्तियों में, और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा इसका। कि संगल मन की पटशीला पर कोई राजा राम लिखे, संगल मन की पटशीला पर कोई राजा राम लिखे, करो वर्ण तुम सनातनी को तो ऐसा परिवार मिले, करो वर्ण तुम सनातनी का तो ऐसा परिवार मिले, भाई मिले लक्ष्मण के जैसा, भाई मिले लक्ष्मण के जैसा, पिया के राजा राम मिले, भाई मिले लक्ष्मण के जैसा, पिया के राजा राम मिले। संदल मन की पटशीला पर कोई राजा राम लिखे, संदल मन की पटशीला पर कोई राजा राम लिखे। वापस यहाँ आ भी सकती हैं और मैं आपको कहना मानता हूँ, आप और मतलब उसके बाद किसको उठा दें। बड़ी अजीब स्थिति है सनातन की बात के, और सनातन पर आजकल चोट होती है। आप सनातन क्या है कि जब भी बोला भारत माँ का ललित ललाम बोला था, जब भी बोला भारत माँ का ललित ललाम बोला था, जिसने भी बोला उसने बोल करके प्रणाम बोला था, अरे सनातन की बुराइयां करने वालों कान खोल के सुन लो, तुम्हारे रावण ने भी मरते समय श्री राम बोला था, रावण ने भी मरते समय श्री राम बोला था। कर्ण उदयनिधि जो तरुण संस्कृति से आते हैं, हमने उनका सम्मान किया। आइए आप परंपरा को तोड़ते हुए आप सबकी डिमांड पर, क्योंकि आईजी साहब वगैरह जो बड़े लोग हैं उनके पास समय का अभाव होता है, माताएं बहनें भी रहती है सारी, तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपके मध्य उन चेहरों को पहले बुलाएं जिनका कद भी बड़ा है, पद भी बड़ा है, पेमेंट भी बड़ा है, और जिनको आप टेलीविजन पर सुनते हैं। ऐसा कोई चैनल नहीं जिस पर आपने सुधीर भोला को नहीं सुना। एक बार जोरदार तालियां और इक्कीस सुधीर भोला जी के नाम से। अभी अमेरिका में थे, रेलवार के लिए जब बुकिंग हुई तब अमेरिका में थे, फिर अमेरिका में मोदी जी चले गए, ये इधर आए, मतलब इन दोनों के बीच के का एक टॉस है। जब ये अमेरिका रहते हैं तो मोदी जी नहीं जाते, मोदी जी जाते हैं तो ये नहीं जाते। एक मात्र ऐसा कवि जो देश विदेश के अंदर मांडी के गुणगान का जगह जगह बखान करते हैं, सुदीप भोला जी को मैं आवाज देना चाहता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें, माइक बड़ा आकर के उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दें क्योंकि उनका कद बड़ा है, और आयोजकों से निवेदन है कि पकौड़ी के बाद इनको चाय पिलाई जाए, और जब इनको चाय पिला दो तो ऊपर भी भेज दी जाए। आप सभी मेरे माइक पर आने के बाद भी ऐसे ही खामोश हो गए जैसे आजकल पहले सुनते हो, मेरे माइक पर आने के बाद आप ऐसे खामोश हो गए जैसे सचिन पायलट को देखकर आपके गहलोत साफ हो जाते हैं। क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले ऐसे कमल हैं जो कांग्रेस के पक्ष में बात करते हैं। कुछ नहीं है, पेमेंट का चक्कर
पेमेंट इधर से आया हुआ है। लेकिन मैं एक बात बहुत साफ मन से कहता हूँ, कभी तो कभी है और कभी की अपनी अभिव्यक्ति है, उसे जो देखेगा वो कहेगा। मैं किसी भी पक्ष प्रदेश के विशेष के पक्ष में बोलूं खिलाफ बोलूं, ये मेरा आयोजक तय नहीं करेगा, ये मेरा कभी मन तय करेगा। मैं इस जनता का कवि हूँ, जो जनता पसंद करती है, जनता स्वीकार करती है, हम लोग बातें करते हैं। अगर आप लेना चाहते तो एक बार दोनों हाथ उठाएं, एक बार तालियां बजाएं, ये पक्ष की तालियां बजा करके मुझे प्रारंभ करने का अनुमति दें। सबसे पहले तो एक रेन वाले को मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं विगत एक वर्ष में जितने कवि सम्मेलन किए होंगे अब तक सर्वाधिक महिलाओं की सर्वाधिक मातृशक्ति की उपस्थिति रेन वाले के कवि सम्मेलन में है, ये अपने आप में बहुत गर्व का विषय है। इधर मेरे वामपंथ में बहुत सारी चेहरे पर हो गई है, इनसे निवेदन है कि सोल्जर मुझे सुन लो। मैं बहुत लंबी यात्रा करके यहाँ आया हूँ और गणेश उत्सव का ये मेरा पहला कवि सम्मेलन है। मुझे भैया ने माइक पे बुलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने मुझे उठाया, ईश्वर इनको उठाया। ये इधर ये छोटे छोटे बच्चे अगर गठबंधन ना बना रहे हैं तो इनसे निवेदन है कि ये अपना स्थान पर बैठ जाएं। ये पानी वाले भाई, अगर केजरीवाल का रिश्तेदार नहीं है तो पानी बांटना बंद कर दो। हम भी बड़ी लंबी यात्रा करके आए हैं और सिर्फ ये आधा घंटा आपको काव्यपाठ सुनाने, अपनी कविताएं सुनाने के लिए आए हैं। मैं थोड़ा दो तीन रंगों में कविताएं सुनाने का प्रयास करूंगा, आपको गीत भी सुनाऊंगा, प्रतिगीत भी सुनाऊंगा, कुछ राजनीतिक टिप्पणियां करूंगा, कुछ पारिवारिक और सामाजिक बातें करूंगा। आप फोटो खींच रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए एक बड़ी बात कहता हूँ, मेरे इधर पक्ष इधर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। मैं देख रहा था कि अपनी तरफ से बहुत आर्थिक सहयोग आप लोगों ने प्रदान किए, ईश्वर आपको बहुत देगा, बहुत दौलत दे, बहुत यश दे, बहुत समृद्धि दे। लेकिन मैंने एक चीज जो नोट की है, जब आदमी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, अगर सही कहूं तो समर्थन कीजिएगा, आदमी के पास बहुत पैसा हो गया, बहुत पैसा हो गया तो सबसे पहले एक चीज खत्म होती है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट। नहीं, अगल बगल मत देखिए आप, यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है, यहाँ सब हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। फिर वो हम कवियों को पैसे देते हैं और कहते हैं आइए हंसाइए मुस्कुराइए, हम हंसे हैं। लेकिन ऐसा ना हो, इसकी अंदर की खुशी, अंदर की हंसी आपके चेहरों पर आए। और ईश्वर के हम धन्यवादी हैं, भगवान श्री गणेश का धन्यवाद देते हैं कि हमें ईश्वर ने इतना अच्छा काम दिया कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने का काम करते हैं। हाँ, नहीं तो रुलाने के लिए आपके पड़ोसी काफी है, अद्भुत काम। देखिए मैं बहुत विशेष आदमी हूँ और ईश्वर की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है, ईश्वर की मुझ पर असीम कृपा, बहुत सौभाग्यशाली आदमी है। पिछले दिनों रेल यात्रा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, रेल यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का भी सौभाग्य मिला। वो वॉशरूम देखा है ना आपने, रेलगाड़ी का, उसमें मक्का भी चैन से बांध कर रखते हैं। हाँ, उनको लगता है ऐसा ना अमित शाह ऐसे भी खोल के भाजपा ज्वाइन करा दे। अद्भुत वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ। देखो मैं शुरू हो रहा हूँ, पहली टिप्पणी कर रहा हूँ, आपकी टिप्पणी पर समर्थन बताएगा मुझे क्या और कैसे पढ़ना। वॉशरूम गया रेलगाड़ी में, वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था 9944222 फला फला फला, और नीचे देखा हुआ था पूजा। मैंने आपदा को अवसर में बदला, टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू हुई। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो जो जवाब आया रेलवाल वालों, मैं गारंटी देता हूं कि इस पूरे सदन में इतना अद्भुत जवाब किसी ने नहीं सुना होगा, और अगर जवाब अनोखा हो तो इसे खाक आसमान को उठाना और मुझे प्रारंभ करने की तालियां देना। मैंने फोन लगाया, घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू, हेलो पूजा बोल रही हो? तो वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। कोई भाजपा ज्वाइन करने का मतलब अंदर फंसा के चला गया। मैं आपका मैं अक्सर बता रहा था, फंस गया। अद्भुत काम, अच्छा 6 महीने भी घंटे
नहीं बीते, 6 महीने ढंग से नहीं बीते, उसी नंबर से फोन वापस आया। हेलो सुदीप बोला, मैंने जी पूजा बोल रही। हाँ मैंने कहा बोल। कहना बोल, मुझे भी भाजपा की सदस्यता है, इसी गुजरात में चुनाव है, काम करने आ जाओ। अब मैं गुजरात चला गया तो उन्होंने मुझे बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैक्स पकड़ा दिए कि ये पकड़िए और जो उपयुक्त स्थान दिखाइए वहां लगाओ। बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैक्स लगे हुए, इतने बड़े बड़े उस पर नारे लिखे हुए, अब की बार 200 बार आएंगे तो मोदी ही मोदी है तो मुमकिन है, तमाम नारे। सबसे बड़ा बैनर मैंने उठाया, काम चालू किया, सबसे बड़ा बैनर उठाया, अब की बार 200 बार ले जाके लगा आया पेट्रोल पंप ऊपर। बहुत कम बजाते हैं और आपको बजाई नहीं है। अब की बात 200 बार अगला बैनर लेकर के मैं निकला तो रास्ते में सब्जी मंडी पड़ी। सब्जी मंडी में एक स्थान खाली दिखाई दिया, वहां लगा दिया। लगा करके हटा तो नीचे एक आदमी टमाटर बेच रहा था। मैंने भाई कैसे दिए, क्या लगा 200 रुपए किलो। उसकी बात सुनकर मेरी नजर अपने ही हुई लगाए हुए बैनर पर पड़ी, जिस पर लिखा हुआ था कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। मेरी सरगत खुश होकर विपक्षी मुझे उठाकर ले गए विपक्षी पार्टी के चुनावी कार्यालय में ले जाकर यूं बिठा दिया। आखिरी बैनर लगाना बचा था तो मैंने उनके चुनावी कार्यालय के बाहर लगा दिया, जिस पर लिखा हुआ था आएगा तो मोदी जी। तो आप समझ गए होंगे मैं किस तरह का आदमी हूं। वो एक कार्यक्रम शुरू हुआ नमस्ते ट्रंप, जब से पेट्रोल के दाम बढ़े मैंने नया शुरू कर दिया नमस्ते ट्रंप। आपकी प्रतिक्रिया मिलेगी तो मैं शुरू हो पाऊंगा, मैं गीत प्रतियुक्त सब सुनाऊंगा। अच्छा यहाँ पर माननीय नेता में बैठे हुए हमारे सामने हमेशा नेता बैठा दिए जाते। अच्छा हमें यह समझ में नहीं आता किस पार्टी के, और नीचे से जनता हमें कुछ पढ़ने के लिए कहती है और लगभग ऐसा पढ़ने के लिए कहती है जो सामने वाला नेता सुनकर घबरा जाए उसके खिलाफ हो। ऐसे ही मेरे साथ पिछले दिनों हुआ, मैं शुरू करता हूँ जनता की डिमांड में मैंने कविता प्रारंभ की, पेट्रोल के दाम बढ़े तो मैंने लिखा जन नमो नमो के नारे डूब हुए जयकारे काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया जब सारे नहीं बजाओगे मैं नहीं जाऊंगा। नमो नमो के नारे डूब हुए जयकारे काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया उसके बाद भी 100 रुपया लीटर खेल हो गया और क्या भी खेल हो गया। तो मैंने करोड़ी की सुनिए हमें बड़े सहज तरीके का लेखन करता हूँ, सहज सुनाऊंगा सहज सुनिए। दाम बढ़े तो मैंने लिखा, अच्छा पेट्रोल डलाने गया गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, मोबाइल का बैटरी खत्म हो गई, जेब में पैसा नहीं, 10 का नोट निकला तो मैंने पेट्रोल पंप वाले को दिया, मैंने कहा डाल दे, तो कहला डालूंगा नहीं छिड़कूंगा बाकी काम तुम करना। जब इतने दाम बढ़ गए तो मुझे देखा धीरे से सुनाऊंगा वॉल्यूम बढ़ा लेना और ईको चालू मत करना, इसका ईको ईको बढ़ने से दिक्कत हो जाती है। मैं भजन बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है नईम भाई, बड़े शायर है जबलपुर में कवि सम्मेलन मुशायरा नईम भाई उसके उसके पहले कवि, सामने भाभी जी बैठी हुई, मंच पर आए गजल पढ़ना शुरू किया, इतने में ईको वाले ने ईको बढ़ा दिया। अब ईको में आवाज गूंजती है भलो 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 भलो। अब नईम भाई आए पहली गजल का पहला ही शेर पढ़ा और पहला ही शब्द बोला कला, ईको हो गया। बाद में क्या हुआ दोनों मिलकर साउंड वाले को मिलकर भूल गए। सुनिए दाम बढ़े तो मैंने लिखा, इस बच्चे को बिठा दो अगर ये भी गठबंधन ना बना रहा हो। दिल करो सस्ता ना, आप लोग चाहते हैं तेल सस्ता हो तो फिर 7 जरूरी और जा सकते हैं तो गाड़ी में बैठा थोड़ा। हर दिल करो सस्ता ना और कोई
रस्ताना दिल गरीबों का निकला जाए, दिल करो और कोई दिल गरीबों का निकला जाए, कानों में डालो दिल जरा सा धक धक धड़कता, दिल है जरा सा कानों में डालो दिल जरा सा धक धक धड़कता, दिल है जरा सा पंप देख कर धड़कन रुक जाए, दिल करो और कोई। यार ये मोहल्ला बहुत अच्छा है, आपकी तालियां भी मिलेगी तो अच्छा लगेगा। और आप लोग जाओ हाय दिल करो और कोई दिल गरीबों का निकला जाए, हर डीजल दिखाए मस्त बनाए, पेट्रोल खाए एटीट्यूड हाय, डीजल दिखाए मस्त बनाए, पेट्रोल खाए एटीट्यूड हाय, नोट गुलाबी देख के शर्माए, दिल करो और कोई दिल गरीबों का निकला जाए। बैठे जाता है मेरे पास, वो मैंने भाजपा वाले को 500 का नोट दिया, मैंने भाई साहब चेंज दे दो, तो उसने 500 रुपए रख के मुझे 130 रुपए हटा दिए। मैं कह रही बाकी, तो कहने लगे 370 खत्म, 370 खत्म, अद्भुत काम। और रेल बार के लोगों का तो कहने लगे भैया थोड़ी देर पकौड़े बाद में अपन चुनाव के बाद बनाएंगे, ये भी एक योजना है पकौड़ा ही। दादा ये थोड़ी देर रुक सकते तो उनको रोक लो, अगर नेताओं की बात मान के बाद में अपन दोनों मिलकर बांटेंगे। एक तो कीड़े पता नहीं कहां कहां घुसे हुए, मैं तय नहीं कर पा रहा हूं, मैं करता चाहूं कि कीड़े निकालू। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, ये 5 रुपए तो मैं शुरू किया हूं। मैं आपको उत्तर प्रदेश लिए चलता हूं, मैं अभी कुछ वायरल पैरोडियां सुनाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम सुनाता हूं आपको, यूपी में बाबा बुलडोजर लेकर के आए, यूपी का चुनाव परिणाम सुनाता हूं भोजपुरी स्टाइल में। देखिए हमारे कवि सम्मेलनों की नहीं है परंपरा है, हिंदी भाषी परंपरा का है महनीयता। देखिए कि यूपी का चुनाव परिणाम भोजपुरी स्टाइल में राजस्थान में सुना रहा हूं और मध्य प्रदेश से आया हूं। भैया इसको बाद में बांट लेना महाराज, ये देखो ये आदमी तो खाने पीने वाले लोग हैं, यही बर्बाद किए हुए हैं देश को, जो आदमी काम कर रहा है उसे पूछा तक नहीं। एक बार जब तालियां बजा दीजिए मैं शुरू हो जाऊं। मैं तो दिल्ली से आया हूं, मैं आपको नहीं बता रहा हूं दिल्ली से आया हूं, मैं बताऊंगा आपको तमाम राजनीतिक दलों की स्थितियां क्या क्या होती है। यूपी का चुनाव परिणाम सुनाता हूं भोजपुरी स्टाइल में, इसमें आपको एक जगह आहा और एक जगह ओह करना है। यूपी में जैसे ही बाबा आए तो आपके साथ उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया, एंटी रोमियो स्क्वाड जो जोड़ा कोई प्रेमी जोड़ा घूम रहा है तो आधार कार्ड चेक कर करके देखते हैं कि ये पति पत्नी है कि नहीं, अगर अगर नहीं है तो ले जाके आशिकों की कुटाई शुरू कर देते। अरे भैया चाय वाले मेरे को तो काम कर लेने दो, हालांकि चाय वाले को मैं तो कुछ कहूंगा ही नहीं। इस चाय वाले का नाम तो इतिहास है। यूपी में बाबा आए और एंटी रोमियो स्पॉट बना दिया आते ही साथ, जो उन्होंने मुझे लगता है जैसे मोदी जी आए उन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनका नारा था। यूपी में योगी आए अखंड कुमार ने शादी की ना बाल बच्चे, मुझे लगा ऐसा कहना चाहते बेटा जो काम मैंने नहीं किया तुम्हें भी नहीं करने दूंगा। यूपी का परिणाम सुनाता हूँ एक जगह आहा एक जगह ओह करना है भोजपुरी स्टाइल, सुनिए। के केसरिया लगा लिपस्टिक, अभी नहीं टाइमिंग ठीक है, केजरीवाल जैसे जब समर्थन देना है दे दो, जब नहीं देना है मत दो, इसे कहते हैं टाइमिंग। बहुत बढ़िया, लेकिन सुनो
केसरिया लगा लिपस्टिक कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट योगी टॉप लागेला वो योगी टॉप लागेला कमरिया कमरिया बस इतना ही होता। फिर मैंने चुनाव सुनाया परिणाम सुनाया अखिलेश यादव जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल समाजवादी पार्टी उनको मैंने चर्चा बदाम स्टाइल में सुनाया। यूपी का चुनाव परिणाम काचा बदाम पैटर्न में सुना। मैंने कहा कि पहिया तेरा साइकिल वाला तेरा मेरा हुआ तुटी चैन अरे पहिया तेरा साइकिल वाला तेरा मेरा हुआ तुटी चैन गिरे का चैन एक डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन बाबा का नाम छाया बाबा का नाम बाबा का नाम छाया बाबा का नाम बाबा जी को समझाता क्या चार बटन साइकिल धाम काका चीची वाली दीदी वो बंगाल वाली अरे काका चीची वाली दीदी चाचू वाली हाथी वाली बहन मिले ना चैन यूपी बाबा की बहन बाबा का नाम छाया बाबा का नाम छाया बाबा का नाम बाबा जी को समझा था क्या कचा बदाम साइकिल साइकिल धाम हो गई तो राहुल जी दक्षिण भारत की तरफ जाने लगे यूपी के। देखो पूरे पूरे भारत में जीत रहे हो कर्नाटक जीता हिमाचल जीता राजस्थान में हो सकता है दोबारा भी हो जाओ कोई लेकिन यूपी में चांस नहीं। तो राहुल जी दक्षिण भारत जाने लगे तो मोदी जी मिल गया दोनों का आमना सामने को बातचीत शुरू गुजराती स्टाइल। अब आपको गाना है कि मोदी बोले केम छे केम छे केम छे आप लोग गा सकते हैं थोड़ा कम देगा अरे मोदी बोले राहुल बोले सेम छे सीट नहीं आती चुनावों में तो मोदी बोले यही तो गेम छे गेम छे गेम छे मोदी बोले अब सिद्धू को लड़ने भेजा तो पंजा तुरवा लाए दीदी को लड़ने भेजू तो नाक नहीं बच पाए पीएम बनूंगा कैसे ये बात समझ ना आए वोटर कहते हैं हमसे ओके टाटा बाय बाय हाय मोदी बोले पीएम बनोगे तुम मोदी बोले पीएम बनोगे तुम ये थारो भैंस छे भैंस छे भैंस छे भैंस छे एक बार एक तालियां मिलके बजाओ मैं आपके राजस्थान की एक तो गहलोत साहब जा रहे थे एयरपोर्ट पर मिल गए बोर्डिंग शुरू हो गई अचानक किसी ने कान में कुछ कहा वापस लौट के चले गए। मैंने कहा भाई ऐसा क्या कह दिया गहलोत साहब के कान में कि वो वापस लौट के चले गए पहले कुछ नहीं उनने उनसे ये कहा था कि इस जहाज को पायलट उड़ाएगा आए हाय हाय अरे पायलट कुर्सी पे नैन रे राहुल बेहाल है सुरहना ताल है बाहर तो ये कभी का तरीका है बात कहने का। हम दुनिया में नंबर वन हो चुके हैं भारत विश्व में नंबर एक हो चुका है आबादी के मामले में। हमने ढंग से अपने ग्रंथ पढ़े होते तो ये नहीं हुआ होता जितने संसाधन मिले उससे ज्यादा हमारी हमारी आबादी हो चुकी है। हमारे ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है बाजुदे कुटुंब कम लेकिन नहीं सुध रही हम पढ़ाए जा रहे कि जनसंख्या गेन रे देखो एक गाने पर दूसरी पैरों जनसंख्या गेन रे क्या दिन क्या रहन रे ना कोई हड़ताल है घर की टकसाल है आजा सावरिया साल के साल बना यहाँ वाले थोड़ी तालियां बजाओ आप लोग ऐसा मत करो नाम पे लगा के आप लोग देखो हम तो दिल्ली से आए हुए हैं और दिल्ली दिल्ली वालों के मुंह में मच्छर भी होता है दिल्ली से आए टेंशन का टेंशन ही नहीं लेते हम लोग किसी भी टेंशन का टेंशन नहीं लेते क्योंकि हमने टेंशन को अपने आप का मुख्यमंत्री बना रखा
अद्भुत आदमी है। गुजरात से चुनाव हार के गए, कुल दो सीटें जीती, तो दिल्ली में आके बयान दिया असंभव अलंकार में। असंभव अलंकार समझते हैं, जो काम कभी हो ही नहीं सकता। दिल्ली आए और आकर के बयान दिया कि मैं गुजरात से बैल का दूध लेके आया, असंभव अलंकार। और बोलने के बाद छह महीने चुप हो गए, छह महीने तक कोई बयान नहीं आया उनका। मुझसे पूछा कमल भैया ने कि खामोश क्यों हो गए, चुप क्यों हो गए? मैंने कहा हो सकता है रायता समझ के फेविकोल पी गया। आए आए तो मैंने उनके उस बयान पर एक पैरोडी लिखी, चैनल ने कहा इस पर भी आप पैरोडी लिखी, तो मैंने लिखी, सुनकर आनंद आया। अच्छा इसमें भी गाना मेरे था और इसका वीडियो बनाना मुझे दे देना, सुनिए उनका बयान। मैंने इस पर पैरोडी लिखा कि हाय मोदी हाय मोदी हाय हाय गाओ हाय मोदी। ये वीडियो बना के मुझे दे देना भैया, मैं दिल्ली जाऊंगा, वहां केजरीवाल को दिखाऊंगा, देखो मैं हाय मोदी करवा के आया हूं। क्योंकि जाऊंगा बताऊंगा तो कहेंगे सबूत लेके आ, हर बात का सबूत मांगते। सुना कि हाय मोदी हाय मोदी हाय 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 मोदी हाय मोदी हाय, एक झाड़ू वाला आजकल दिल्ली में यही गाय हाय। अरे गुजरातियों से पड़ गया पाला, क्या करना था क्या करना था, बैल का जाकर तुरू स्टेटमेंट आया और गाय खड़ी शर्मा था। एक मध्य प्रदेश से आता हूं, तो मध्य प्रदेश के राजनीतिक क्रम पे भी एक आपको पहले भी सुनाता हूं। ये जितने मध्य प्रदेश के नेता है इनके जितने मेरी बिटिया के पांच नंबर कर गए परीक्षा में, ये बेटियां बैठी है सुनना, पांच नंबर मेरी बेटी के परीक्षा में कर गए। दरअसल बात यह की जब कमलनाथ जी की सरकार चुनकर के आई तो परीक्षा देने बिटिया गई हुई थी, पेपर में आ गया कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम बताओ। ए कमलनाथ जी बी दिग्विजय सिंह जी सी दिग्विजय शिवराज सिंह जी डी राहुल गांधी जी, मेरी बिटिया कमलनाथ जी पर टिक करके आ गई। अब जब तक कॉपी चेक होके आती, वाह सिंधिया जी का ज्योतिर्गम है, सिंधिया जी निकल लिए। तो मैंने इस घटनाक्रम पे पैरोडी लिखी, जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उनको बहुत इग्नोर किया गया। तो मैंने लिखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आवे ना निंदिया, होके बैठे थे बंद दरबाजा गिराजा, बजाते थे बाजा गिराजा बजा रहे बाजा, हो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आवे ना निंदिया। अरे नाथ जी के हाथ